हे गाइस, कैसे आप सभी? आई होप यू आर वेल। तो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे 10th and 11th September के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10th September को। स्टूडेंट, 10th September को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये डे स्टैब्लिश हुआ था 2003 में बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे को स्टैब्लिश किया था 2003 में। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट्स इसकी थीम क्या है? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन इसकी थीम है। ओके स्टूडेंट्स, ये थीम 3 ईयर्स के लिए 2021 से लेकर 2023 तक ये थीम है, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू सेकेंड, द इनॉग्रल जेएच चैरिटी मैराथन इज होस्ट बाय केरला। स्टूडेंट्स, द इनॉग्रल जेएच चैरिटी मैराथन होने वाली है, इसे कौन होस्ट करेगा? केरला, इंडिया इसे होस्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इस चैरिटी को स्पॉन्सर किसने किया? यूएई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ केरला एंड इंडियन कम्युनिटी इन द यूएई। स्टूडेंट्स, यूएई में जो इंडिया के लोग रहते हैं, इंडियन कम्युनिटी है, वो मिलकर और यूएई की गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ केरला इसे स्पॉन्सर करने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, टू रेज फंड्स फॉर चैरिटेबल कॉजेस। स्टूडेंट्स, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेज फंड्स फॉर चैरिटेबल कॉजेस। स्टूडेंट्स, फंड्स को रेज करना चैरिटेबल कॉजेस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका ऑब्जेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू थर्ड, द गुजरात गवर्नमेंट अनाउंस दैट अहमदाबाद हैज़ बिकम द सेकेंड सिटी इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट एन एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। स्टूडेंट्स, गुजरात की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि अहमदाबाद सेकेंड सिटी बन गया है कंट्री का, जिसने इम्प्लीमेंट किया एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। स्टूडेंट, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम को इम्प्लीमेंट किया। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये एमिशन ट्रेडिंग स्कीम क्या है? स्टूडेंट, इस स्कीम के अंदर मतलब जैसे कि फैक्ट्रीज होती हैं, उनका एक कैप डिसाइड कर दी गई है। अगर इससे नीचे होगा तो उन्हें मतलब वो पॉल्यूशन, इससे नीचे उनका धुआं होगा, पॉल्यूशन होगा, उनके लिए उन्हें कोई चार्ज नहीं होगा। अगर उस कैप से ऊपर उनका पॉल्यूशन जाएगा तो उसके लिए उन्हें चार्ज देना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। स्टूडेंट्स, का एम क्या है? टू रिड्यूस पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स PM 2.5 एंड PM 10। ओके स्टूडेंट, दिस स्कीम्स विल कवर 118 इंडस्ट्रीज इन अहमदाबाद। स्टूडेंट, इस स्कीम के अंदर 118 इंडस्ट्रीज कवर कर रही हैं। ओके स्टूडेंट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रिवेंशंस प्रिजर्वेशंस एंड रिड्यूस द स्टेट्स पोल्यूशन लेवल। स्टूडेंट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेट की पोल्यूशन लेवल को रिड्यूस करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन को भी एंश्योर करना, बैलेंस करना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू फोर्थ, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन वॉज अवॉर्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद द हाइएस्ट रेटिंग ऑफ प्लैटिनियम बाय द इंडियन बिल्डिंग काउंसिल IGBC। स्टूडेंट, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का अवार्ड मिला है हाईएस्ट रेटिंग, प्लैटिनियम की हाईएस्ट रेटिंग के साथ, और ये किसने दिया? इंडियन बिल्डिंग काउंसिल ने दिया है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है, इसका अपग्रेडेशन भी हुआ है। 2019 में से गोल्ड मिला था और 2023 में से प्लैटिनियम मिला है। ओके स्टूडेंट्स, ये अपग्रेडेशन कैसे हुआ है? इन्होंने अपने आप प्रॉपर सेवेज वाटर प्लांट को लगाया और इको फ्रेंडली फैसिलिटी दिया पैसेंजर्स को, और सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर भी इन्होंने काम किया। ओके स्टूडेंट, इसलिए इनका अपग्रेडेशन हुआ। ओके स्टूडेंट, ये थी फर्स्ट पेज करंट अफेयर। नाउ कम टू सेकंड पेज, नाउ कम टू फिफ्थ करंट अफेयर। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हर जगह पर ट्रांसफार्मर रखे हुए थे, और स्टूडेंट्स हमारे गांव में भी ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, और जैसे अचानक बारिश आ जाती है, हवा चल जाती है, आंधी तूफान आ जाता है, तो स्टूडेंट्स पूरे गांव के एकदम लाइट कर दी जाती है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को छुटकारा पाने के लिए इंडिया का पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर का इनोग्रेशन हुआ है। इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर इनोग्रेटेड इन मलेश्वरम बेंगलुरु। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बेंगलुरु के मलेश्वरम में इंडिया का पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर हुआ है। फ्रेंड्स, जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनके आसपास के मतलब डेंजर का साइन लगा के उनके जो स्पेस होता है उसे भी कवर कर दिया जाता है, मतलब कि डेंजर का साइन लगा देते हैं कि इसके आसपास जाना भी मना है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ से भी और क्या कहते हैं, ये सेफर भी हमारे लिए। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। क्लेम बाय स्टूडेंट्स, ये किस किस ने क्लेम किया? बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी एंड ब्रुहल बेंगलुरु महानगर पालिका हैव इंस्टॉल 500 किलोवाट। स्टूडेंट्स,
जो बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी उन्होंने और बृहन बेंगलुरु महानगर पालिका ने इसे इंस्टॉल किया है। ओके स्टूडेंट, इसका एम या गोल क्या है? फ्रीइंग अप स्पेस ऑन फुटपाथ। स्टूडेंट, फुटपाथ की जो स्पेस है उन्हें फ्री करना, मेकिंग दैम सेफर फॉर पेडेस्ट्रियंस के लिए। स्टूडेंट, जो मतलब पैदल चलते हैं उनके लिए जो स्पेस है उसको कवर किया हुआ है उसे फ्री करने के लिए इसका एम है। अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर सिस्टम्स विल सेफ गार्ड इक्विपमेंट्स फॉर्म स्टॉम्स। स्टूडेंट, जो स्टॉम्स आती है उनसे मतलब जो उनके इक्विपमेंट्स खराब हो जाते हैं वो भी एक तरीके से सेफ रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू सिक्स करंट अफेयर। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ मैंगो बोर्ड इन द कोंकण रीजन टू सपोर्ट लार्ज स्केल हापुस कल्टिवेशन। स्टूडेंट, जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि वो मैंगो बोर्ड को कोंकण रीजन में इस्टेब्लिश करेगा जो हापुस कल्टिवेशन है उसे लार्ज स्केल के लिए सपोर्ट करने के लिए। ओके स्टूडेंट, दिस बोर्ड विल सपोर्ट सच एज इंश्योरेंस, प्रोडक्शन एनहेंसमेंट, पेस्ट कंट्रोल एंड रिसर्च। स्टूडेंट, जो ये बोर्ड है वो प्रोवाइड करेगा सपोर्ट, कैसे कैसे सपोर्ट, जैसे इंश्योरेंस का, प्रोडक्शन एनहेंसमेंट का, पेस्ट कंट्रोल का, रिसर्च का, ये बोर्ड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। द करंट सीजन ड्रॉप 15% कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। स्टूडेंट, इस सीजन में 15% मतलब कम हुए हैं मैंगो की जो फार्मिंग है प्रीवियस ईयर से, इसलिए ये कौन-कौन रीजन में ये बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू सेवेंथ। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि G20 की मीटिंग चल रही है, तो स्टूडेंट्स उसमें जो बाकी कंट्रीज़ हैं चाइना को छोड़कर वो सारी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सभी कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो इंडिया दौरे पर आए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसमें जो हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने भी कुछ खुशखबरी तो प्रोवाइड करेंगे ही हुए, तो स्टूडेंट्स वही इस न्यूज़ में है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI लॉन्च टू कन्वेंशनल पेमेंट्स इनिशिएटिव्स हेलो UPI एंड भारत बिल पे कनेक्ट। स्टूडेंट्स, NPCI ने दो कन्वेंशनल पेमेंट्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया, हेलो UPI एंड भारत बिल पे कनेक्ट को। द इनिशिएटिव वो अनविल्ड एट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। स्टूडेंट्स, इस इनिशिएटिव को अनविल्ड किया गया है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में। स्टूडेंट, जो हेलो UPI वो सपोर्ट करेगा वॉइस इनेबल्ड UPI पेमेंट्स इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट, जो हमारा हेलो UPI है वो वॉइस इनेबल्ड UPI पेमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। और स्टूडेंट, इस प्लान को एक्सपेंड भी किया जाता है लैंग्वेज सपोर्ट में, जैसे कि अदर रीजनल लैंग्वेजेस भी इसमें इंक्लूड की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारा सेकंड पेज करंट अफेयर। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट थम्स अप एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, बाय।